नगर के दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित उदय नर्सरी के निकट कश्यप सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने व भाजपा को वोट नहीं देने का निर्णय लिया। साथ ही सामाजिक एकता, समाज में फैली कुरीतियों पर चर्चा करते हुए नाराजगी जताई। राम राम कुमार कश्यप जी। अच्छा, आज समाज की मीटिंग के बारे में क्या उद्देश्य है मीटिंग का? इस मीटिंग का उद्देश्य है जी, अपने समाज का कैंडिडेट उतारना सन 2024 में। सबसे पहली बात, अब तक हम बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी हमारे समाज में कुछ नहीं था, केवल लुटा। तो इसलिए आज की जो मीटिंग है, इसमें हमारा कैंडिडेट 2024 में कश्यप समाज का कैंडिडेट खड़ा हुआ। दिक्कत है जी, हमारा खोज लिया, जो हमारा आरक्षण था आरक्षण खोज लिया, हमें सारी दिक्कत लगी जी। हमें नाज नहीं चाहता फिर बंद बन आदमी हमारा नहीं होगा समाज का। हमें तो अपना हक चाहिए और अपना हक हम लेकर रहेंगे। हमारा सबसे पहले तो हमारा आरक्षण लागू है, जो आरक्षण लागू है वो उसे लागू करेगा। पहले तो इसके तीन वाक्य रखे, उसमें रिपोर्ट में भी होने की रिपोर्ट लगी, हमारा 10% हिस्सा उसको किया करेगा इलेक्शन से पहले। ठीक है जी, और भी बहुत सारे हमारे काम लोग अपना अनिल कश्यप। अनिल जी, आप पंचायत बुला रखी, कश्यप समाज की बुला रखी। अभी लोकसभा में महिला आरक्षण पेश हुआ, उसमें हमारे समाज को बिल्कुल छोड़ दिया गया, उसके साथ अन्याय हुआ। इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को कश्यप समाज ने निर्णय लिया कि सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में कश्यप समाज अपना ही प्रत्याशी उतारेगा मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं।